हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपके न्यूमेरिकल चलने हैं और जो बेस्ड हैं बॉइलिंग पॉइंट पर और फ्रीजिंग पॉइंट पर। मैं पहले फॉर्मूले लिखवा देता हूँ आपको बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक से। पहला फॉर्मूला है एम इजिकल टू 1000 के बी स्मॉल डब्ल्यू बाय में डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर एम है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, के बी यहाँ पर है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, स्मॉल डब्ल्यू है मास ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और कैपिटल डब्ल्यू है मास ऑफ सॉल्वेंट। एक फॉर्मूला ये लगता है डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू एम। यहाँ पर डेल्टा टी बी तो वही हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर एम का मतलब है मोलैलिटी। यहाँ एम का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन ये वाले एम का मतलब है मोलैलिटी। एक फॉर्मूला लगेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इजकल टू होता है टी माइनस टी नोट। टी का मतलब यहाँ पर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टी नोट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इन्हीं तीन न्यूमेरिकल पर आपके तीन सॉरी तीन फॉर्मूलों पर आपके सारे न्यूमेरिकल हैं। तो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। आपकी एक्सरसाइज में तो बॉइलिंग पॉइंट पर जो बेस न्यूमेरिकल है वो नहीं दिए हैं, एग्जाम्पल में और इन टेस्ट क्वेश्चन में ही है, तो वही मैं कुछ एक करा देता हूँ। एग्जाम्पल में 2.7 एग्जाम्पल आपको देखना है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन एट वट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 bar। के बी फॉर वाटर इज 0.52 कैलविन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो मैं इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ उसके पहले। स्मॉल डब्ल्यू दिया है 18 ग्राम, टी नोट दिया है 100, प्योर सॉल्वेंट के लिए 100 होता है बॉइलिंग पॉइंट, 273 ऐड कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। उसके बाद एम ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज का मोलर मास एम होता है 180, कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, पूछ रहा है कैपिटल टी कितना है। हमारे पास फॉर्मूला है एम इजकल टू 1000 kb स्मॉल डब्ल्यू बाई डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो पहले तो इसमें डेल्टा टी बी निकाल लेंगे कितना आ रहा है, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी बी इजकल टू 1000 kb स्मॉल डब्ल्यू और बाय में हो जाएगा एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इजकल टू 1000 और के बी की वैल्यू कितनी बताई इन्होंने 0.52, ये न्यूमेरिकल में दी है। मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू कितना है 18 ग्राम और बाय में एम कितना दिया है 180, मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू दिया है 1000, इसको कैलकुलेट करके आ जाता है 0.052। तो इसको कैलकुलेट खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा है टी कितना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है डेल्टा टी बी इजकल टू टी माइनस टी नो टी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला बनेगा टी इजकल टू डेल्टा टी बी और प्लस टी नोट। डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी आई थी 0.052 प्लस टी नोट कितना दिया है 373, दोनों को ऐड कर दीजिएगा आ जाएगा 373 केल्विन, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको 2.8। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वॉज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दे दिया है और उसका मास दे दिया है 90 ग्राम, बेंजीन में डिजोल्व होना है, सॉल्यूट का मास दे दिया है। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज टू, इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एलिवेशन दे दिया है बॉइलिंग पॉइंट में कितना है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, एम पता करवा रहा है, के बी की वैल्यू भी इसने दी हुई है। तो 2.8 में डब्ल्यू दिया है मास ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम, सॉरी सॉरी नहीं तो 1.8 ग्राम, टी नोट दिया है 353.23 केल्विन, कैपिटल डब्ल्यू दिया है
90 ग्राम। केबी की वैल्यू दी है 2.53, टी दिया है 354.1 और एम पता करवा रहा है कि कितना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम इजकल टू 1000 के बी डब्लू और बाई डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्लू इजकल टू हो जाता है 1000 और के बी है 2.53 और मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू है 1.8 बाई में डेल्टा टी बी दिया है, डेल्टा टी बी निकाल लेंगे हम, टी में से टी नोट को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 354.1 माइनस 353.23, इसको माइनस करके आ जाता है, या इसको सारे को लिख देता हूँ फिर कैलकुलेट कर लेना, 354.11 माइनस 353.23 और मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दिया है 90। इस सब को कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाता है 57.5 या समथिंग 58 ग्राम मोल इनवर्स, ये हो जाता है इसका मोलर मास। नेक्स्ट देखना है आपको इंटैक्ट क्वेश्चन में से 2.10, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg, तो प्रेशर की तो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फालतू की इन्फॉर्मेशन है, इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। सुक्रोज का मास पूछ रहा है कितना चाहिए 500 ग्राम वाटर में अगर डिजोल्व करते हैं, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पर जिससे कि 100 डिग्री पर बॉइल हो, अभी कितने पर बॉइल हो रहा है 99.63 डिग्री सेल्सियस पर, और किसकी बात कर रहा है, सुक्रोज की बात कर रहा है, तो उसका मोलर मास निकाल लेंगे। इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ मैं कौन कौन सी है, इन्होंने टी नोट की वैल्यू दी है 99.63 डिग्री सेल्सियस, स्मॉल एम दिया है, निकालना है स्मॉल एम आप निकाल लेंगे सुक्रोज के लिए 342, स्मॉल डब्लू पूछ रहा है कितना, जबकि कैपिटल डब्लू दिया है 500 ग्राम, कैपिटल टी दिया है 100 डिग्री सेल्सियस और के बी की वैल्यू होती है 0.52। यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं उनको केल्विन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 273.15 एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ये होती है केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15, तो इसको ऐड करके आ जाएगा 372.78 केल्विन, ऐसे इसमें ऐड कर लेंगे प्लस 273.15 इजकल टू ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, एम इजकल टू 1000 के बी स्मॉल डब्लू बाय डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्लू, और वैल्यू किसकी निकालनी है स्मॉल डब्लू की, तो स्मॉल डब्लू इजकल टू हो जाएगा एम डेल्टा टी बी और मल्टीप्लाई कैपिटल डब्लू बाय 1000 के बी, वैल्यू रख देते हैं इसमें, W इजकल टू एम की वैल्यू कितनी है 342 मल्टीप्लाई डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा T माइनस टी नोट, यानी कि 273.15 और माइनस जो यहाँ वैल्यू निकली थी टी नोट की 372.78 और मल्टीप्लाई कैपिटल W कितना दिया है 500 बाय में 1000 और मल्टीप्लाई के बी की वैल्यू कितनी होती है 0.52, इन सब को आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके आ जाता है 121.67 ग्राम, ये हो जाता है इसका आंसर। तो तीन ही टाइप के न्यूमेरिकल दिए हैं आपके इसमें, इंटेक्ट क्वेश्चन और एग्जांपल मिला करके, तो फिलहाल ये आप तीनों कर लेना, अपने से कर लेना, ये तीनों के सोल्यूशन मैंने कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बॉइलिंग पॉइंट और आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।